हो गया, मिल गई तसल्ली, कर लिया तमाशा सबके सामने। इतने दिनों बाद एक अच्छी दोस्त मिली थी मुझे, उसे भी तुमने क्यों किया तुमने ऐसा मोंटी? किसने कहा था तुमसे ये करने के लिए? मैंने कहा था, तो फिर क्यों किया तुमने ये सब? जवाब दो ना, जवाब है अभी तुम्हारे पास? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिश्रोता, आपको मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर हाथ थाने का कोई हक नहीं है, और इस बात को आप याद रखना। माँ, आपको पता है आज आपकी वजह से मैं बच गई, वरना आज पक्का फंस जाती। मुझे अभी भी याद है जिस दिन आप मेरे पास आई थी कि मुझे स्किन ग्राफ्टिंग करानी पड़ेगी, उस दिन मैं कितना डर गई थी, और मैंने आपसे कहा था उसकी क्या जरूरत है। मतलब आपने मुझे समझाया था कि अगर हमें बदला लेना है तो हमें पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी मान नहीं रही थी। मैं अड़ गई थी कि मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि उसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन आपने मुझे समझाया कि जब मैंने इतना दर्द सहा है तो ये जरा सा दर्द इससे क्या फर्क पड़ेगा। और सिर्फ आपकी वजह से मैंने स्किन ग्राफ्टिंग करा ली थी। आपको पता है उसकी वैल्यू मुझे आज समझ में आई है कि वो कितना जरूरी था, वरना अगर आज वो फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते तो सबके सामने सच आ जाता और मैं अपना बदला ले भी नहीं पाती। मैंने कोई एहसान नहीं किया है बेटा, अपने बच्चों को खतरे से बचाना हर माँ का फर्ज होता है, और मेरे पास जिंदगी का एक्सपीरियंस है। जब तुमने अंबिका की पहचान अपनाई थी ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि कोई दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन तुम्हें अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी और मेरी बेटी उस परीक्षा में फेल हो जाए। ऐसा तो मैं होने नहीं देती ना, और मैं कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकती क्योंकि आप मेरे साथ हो। लेकिन आपको पता है आज एक पल के लिए मैं भी बहुत घबरा गई थी। मोंटी इतना ज़्यादा श्योर था, जब वो रिपोर्ट्स खोल रहा था तब बस मैं यही प्रे कर रही थी कि अंबिका और देविका दोनों के फिंगरप्रिंट्स मैच ना करें। और जैसे ही रवि ने कहा कि वो रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, मेरी जान में जाना है, और तभी मुझे याद आया कि क्यों वो रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, क्योंकि मेरी फिंगर्स पर नकली स्किन ग्राफ्ट हो चुकी है। लेकिन आज मैं उन सबको बहुत अच्छा सबक सिखा कर आई हूँ। आपको पता है मंजू आंटी, श्वेता, निवेदिता, मोंटी, अब सब लोग एक दूसरे के खिलाफ होने लगे हैं धीरे धीरे। अब सब लोग आपस में लड़ेंगे। इनफैक्ट वहाँ से आते हुए मैंने तो निवेदिता को भी बहुत गिल्टी फील करवाया। तुम एकदम सही रास्ते पर जा रही हो बेटा, और इसी रास्ते पर ही तुम अपने लक्ष्य को पूरा करोगी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझना, और जंग के मैदान में दो बातें बहुत जरूरी हैं, अटैक भी और डिफेंस भी। दुश्मन पर वार करो, लेकिन दुश्मन के वार से बचो भी। इसके लिए तुम्हें बहुत अलर्ट रहना होगा। अपने निशाने पर नजर जरूर रखना, लेकिन इससे पहले अपने चारों तरफ देख लेना कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। इसी से तुम अपने मिशन में कामयाब हो पाओगी और अपनी जिंदगी के हर चैलेंज को जीत पाओगी। हाँ माँ, आपकी दी हुई सारी सीखें मैं याद रखूंगी। अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगी, हर जगह हर पल बहुत लौट रहूंगी उन लोगों से। और ये वादा है, ये बदला मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगी। हेलो, हेलो, मिस्टर गरेवाल, मैं हैंडराइटिंग मैचिंग डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने जो हमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए थे सिग्नेचर की हैंडराइटिंग मैचिंग करने के लिए, उसकी रिपोर्ट आ गई है, और वो रिपोर्ट नेगेटिव है सर। दोनों डॉक्यूमेंट्स पर किए साइन बहुत अलग हैं। आप एक बात आप मुझे बताएंगे, अगर एक ही आदमी सीधे हाथ से लिखे फिर उल्टे हाथ से लिखे, मेरा मतलब है कि अगर वो दोनों हाथों से लिखे तो दोनों की हैंडराइटिंग में फर्क होगा या फिर सेम होगी? हाँ जी, बिल्कुल आएगा। असल में कोई चाहे तो अपने राइट हैंड की राइटिंग भी बदल के लिख सकता है, अगर उसने अच्छी प्रैक्टिस की हो तो उसके राइटिंग में फर्क आ सकता है। ओके ओके, काम कीजिए, आप जो रिपोर्ट्स है ना इन्हें फाड़ कर फेंक दीजिए। मेरा मतलब है कि किसी के हाथ लगने नहीं चाहिए, ना आप इसे घर भेजें ना ही ऑफिस। ओके, ठीक है। मैं ये तो नहीं जानता कि मोंटी की लाई हुई फिंगरप्रिंट रिपोर्ट कैसे गलत साबित हुई, लेकिन अब मुझे ये मालूम हो गया है कि दोनों सिग्नेचर्स में फर्क कैसे आया। अंबिका, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने लेफ्ट हैंड से वो फॉर्म भरकर अपनी पहचान तो छुपा ली, लेकिन मेरे लिए मेरे दिल की गहराई दुनिया की किसी भी सबूत से ज्यादा मायने रखती है। और मेरा दिल चीख चीख कर, तड़प तड़प कर यही कह रहा है कि
ये तो मेरी देविका ही हो। पूरा दिन मुझसे रसोई में काम करवाती रही। अरे इतनी मेहनत करवाई इस निवेदिता ने मुझसे, जैसे कि मैं नौकरानी होती हूँ, और बदले में मुझे क्या मिला? इंसल्ट पे इंसल्ट, इंसल्ट पे इंसल्ट, जैसे कि मैं कोई पालतू जानवर होती हूँ। देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है श्वेता, कम से कम तुम्हें अपनी असलियत का तो पता चला कि इस घर में तुम्हारी औकात एक पालतू जानवर की तरह है जो सिर्फ निवेदिता के इशारों पर अपनी दुम हिलाती रहती है। अब प्लीज तुम मैं शुरू हो जाना, अगर थोड़ी सी भी हमदर्दी अपनी वाइफ से तो जाके मेरी मालिश कर दो ना प्लीज, पैरों की। मैं तुम्हारे पैरों की मालिश करूँ? मुझसे नहीं होगा। अरे तो क्या हो गया, बीबी हूँ मैं तुम्हारी, कल को तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो मैं भी तुम्हारे पैर दबाऊंगी। वैसे एक बात बोलूं विकास, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, तुम देखना मैं अपने आप को सुधारूंगी। ठीक है, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है इसलिए मैं तुम्हारे पैरों की मालिश करता। अच्छा सुनो। हाँ, आप क्या? ऑलिव ऑयल लेके आना, उससे ना बड़ी अच्छी मसाज। ऑलिव ऑयल लेके आना? अरे तुम्हें पता नहीं है ऑलिव ऑयल कितना महंगा होता है? छोटा हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग खाने के वक्त उसका इस्तेमाल हाथ खींच कर करते हैं, बढ़िया ऑलिव ऑयल लेके आना। तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा थोड़ी ना खर्चा हो रहा है। तुम्हें फर्क पड़ता हो नहीं पड़ता हो, मुझे फर्क पड़ता है। श्वेता इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक चलना चाहिए, समझी? घर में सरसों का तेल पड़ा है, उससे तुम्हारी मालिश कर देता हूँ, करवानी ही करवा लो वरना रहने दो। अच्छा पापा, किसी से भी कर दो। हाँ। आ, आ, विकास, मैंने देखा ये निवेदिता कितनी मतलबी है, अपने मतलब के लिए ना कुछ भी कर सकती है। अरे पहले अंबिका उसकी दुश्मन होती थी, अब बेस्ट फ्रेंड हो गई। अच्छा हुआ अंबिका उसको अच्छी सुना के गई है। अरे कम से कम वो दोबारा इस घर में तो नहीं आएगी। बाबा मुझे तो बाहर। निवेदिता जी आइए आइए आइए, डर गए तुम? इतने दिनों से जो तुम्हें काम दिया वो अब तक हुआ क्यों नहीं मोंटी? व्हाई? मैं उस औरत को बहुत बार कह चुका हूँ लेकिन औरत उस जमीन को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ? व्हाट डू यू मीन वो जमीन छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं है? ऐसा कैसे कर सकती है वो? बिना किसी इजाजत के अपना डेरा कैसे जमा सकती है ऐसे? दैट्स इललीगल। और तुम्हें क्या काम दिया था मैंने? उसे वहां से हटाने का ना? जी मैं। मुझे किसी भी कीमत पर मोंटी वो जमीन खाली चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जितने पैसे चाहिए दो उसे और हटाओ उसे वहां से। मैंने पैसे ऑफर किया है उनको लेकिन वो इतनी जिद्दी है कि वो मान ही नहीं रहे हैं। तुम उसकी जिद के आके झुक गए और तुम मुझे ये बताने आए हो? व्हाट यूज आर यू ऑफ मोंटी? हाँ, कोई काम तो तुमसे होता नहीं है ठीक से। काम बिगाड़ना जरूर आता है तुम्हें। इस तरह मेरी कंपनी में तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती। यू अंडरस्टैंड दैट? गेट दैट वेरी क्लियर इन योर हेड। कॉल करो उसे और कहो उसे कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ। घर पर बुलाओ उसे, मैं खुद ही बात कर लूंगी उससे। जी मैम, मैं कॉल तो कर लूंगा लेकिन मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि वो आएंगे या नहीं। मोंटी, मुझे तुम्हारे डाउट्स नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हर चीज को लेकर तुम्हारे मन में डाउट्स है, ये हो सकता है या नहीं, वो हो सकता है या नहीं। आई डोंट वॉन्ट दैट एनीमोर। उसे कॉल करो और उसे कहो मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। एंड यू मेक इट हैपन। नाउ गेट आउट ऑफ हियर। जी मैम, गुड नाइट। ये किस बारे में बात कर रहे थे? नहीं, मुझे जानना है ये चीज बुढ़िया के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी औरत और कौन सी प्रॉपर्टी? ये उस बुढ़िया श्रद्धा की बात कर रहे हैं। वो देविका की माँ को प्रॉपर्टी मिली थी ना, जो उसने देविका को दी थी। अरे भाई, संभालते हैं, कुछ खेती वेती करती है वहाँ पे। उसके पास ठोस कानूनी सबूत है, वो पेपर्स है, ताकि वो वहाँ रह सकती है आराम से। और ये निवेदिता उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सब। ओ हेलो, तुमने मेरी मालिश करनी थी ना, आओ जरा। अंबिका प्लीज मांच, प्लीज कह दो कि तुम मेरी देविका, तुम्हारे बिना नहीं जिया जाता मुझसे। आप ठीक हो? मैं कोई अपाहिज नहीं, इस काबिल हूँ कि खुद को संभाल पाऊँ, और खासकर तुम जैसों के सहारे की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप भी अपनी मंगेतर की तरह पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। हजार बार चिल्ला चिल्ला कर बता चुकी हूँ कि मैं देविका नहीं हूँ, मैं अंबिका रायचंद हूँ, पर मेरा आपसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं। एक काम करता हूँ, एक बार अंबिका को कॉल करता हूँ, कम से कम उसकी आवाज सुनकर ही दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन उसके मोबाइल पर नहीं करूंगा, वरना उसे मालूम हो जाएगा कि मेरा कॉल है, पकड़ा जाऊंगा। क्या जवाब दूंगा कि इस वक्त क्यों कॉल किया मैंने? लैंडलाइन नंबर पर कॉल करता हूँ।
इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? मैंने कोई इम्पोर्टेंट कॉल मिस तो नहीं कर दिया? नहीं, फोन पर तो कोई भी मिस्ड कॉल नहीं है। ये कौन बार बार फोन कर रहा है? हेलो, 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 ये रवि है। लेकिन ये इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है मुझे? मिस्टर रवि गरेवाल, आप ही है ना फोन पर? एक्चुअली वो कॉल पर मैंने वो ये जानने के लिए कॉल किया था कि आप ठीक तो है ना? इसकी आवाज सुनते ही क्या हो जाता है मुझे? आपने बस यही पूछने के लिए फोन किया है? इतनी रात को मुझे फोन करने का क्या मतलब है? I'm really sorry, actually, मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। वो जो भी आपके साथ हुआ घर पे वो मुझे अच्छा नहीं लगा देखकर। मेरा मतलब है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपको लंच पे इनवाइट करके आपके साथ ये सब किया तो आई थॉट कि वो मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, इसलिए फोन किया। जब इंसान को उसकी गलती का एहसास ना हो ना, तो उसे माफी भी नहीं मांगनी चाहिए। आप लोग तो मानते ही नहीं हो कि आप लोगों से कोई गलती हुई है। मेरा मतलब हर बार वही तो होता है, बार बार कोई ना कोई नया सवाल मेरे सामने खड़ा कर दिया जाता है मेरी पहचान को लेकर। आप जानते भी हो कि मुझे कितना बुरा लगता है। थक गई हूँ मैं इन सब चीजों से, इसलिए प्लीज ये सॉरी बोलने का नाटक ना ही कीजिए तो बेटर होगा मेरे सामने। और वैसे भी मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए इतनी रात को मेरी नींद डिस्टर्ब करने के लिए। बाय। अंबिका, कट कर दे। प्लीज देवी, प्लीज बाप में साझो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। इसे समझाओ, तुम्हें तुम्हारी बहुत याद है, बहुत। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों रवि की तरफ खींची चली जा रही हूँ? क्यों उससे बार बार बात करने का दिल करता है? उसके पास रहने का दिल करता है? सारी सच्चाई जानने के बाद भी क्यों उसकी तरफ खींची चली जा रही हूँ मैं? ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। आइए मैम, आइए, यहाँ पर आइए मैम, आइए। मैम, ये श्रद्धा जी जो जमीन पर रहती हैं, और ये हमारी निवेदिता मैडम। हाय, नमस्ते। कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। आप आइए ना, हमारे साथ चाय पीजिए प्लीज। देख, मैं तेरे यहाँ चाय पीने नहीं आई। ये जो तेरा बंदा है ना, ये बार बार आकर मुझे तंग करता है। तू क्यों अपना समय खराब कर रही है? जब मैं एक बार बोल चुकी हूँ कि मैं ये जमीन किसी को नहीं दूंगी जब तक कि खुद देविका आकर मुझसे वापस नहीं मांगे। ये सारी बातें तो बैठकर भी हो सकती है। बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। देखिए आंटी जी, आप जो कह रही हैं वो इम्पॉसिबल है। देविका मर चुकी है, वो कैसे वापस आएगी? आपकी जिद की वजह से हमारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है। हमें बहुत तकलीफ हो रही है आंटी जी, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ वहाँ फार्मिंग करके आप थोड़े पैसे कमा लेती हैं, पर डोंट वरी, मैं आपको उससे भी अच्छी जगह दूंगी और उससे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाएंगी आप। ये मेरा प्रॉमिस है। देख, ये आंटी की घंटी मेरे सामने तो तू बजा मत। मैं तुम लोगों की तरह लालच में आकर बिकने वालों में से नहीं हूँ। कुछ उसूल है मेरी जिंदगी के, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर देविका जिंदा होती तो तेरे हाथ ये जमीन कभी नहीं रखने देती। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? देविका तो मेरी दोस्त थी, और
और उसका पति भी ये जमीन वापस चाहता है। हम तो उसी का सपना पूरा करना चाहते हैं, वहाँ स्कूल बनवाकर। तू दूसरों को बेवकूफ बना सकती है पर इस श्रद्धा को नहीं। ये जो मेरे बाल है ना, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किया, इस दुनिया के सारे छलकपट देखे परखे हैं मैंने। तू तो दौलत की दीवानी है, इंसानियत से तो तेरा कोई वास्ता है नहीं। और फिर तू तो देविका की सौतन है ना, जिसने उससे उसके पति को छीन लिया था। तुझे तो ये जमीन कभी भी नहीं मिलेगी, मेरे मरने के हजार साल के बाद भी नहीं। देखिए आप ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए। मॉन्टी प्लीज लेट मी हैंडल दिस। आपकी उम्र का लिहाज करके कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हद भूल जाएं। टेढ़े लोगों को सीधा कैसे किया जाता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं चाहूँ तो 10 दिन के अंदर अंदर वो जमीन खाली करवा सकती हूँ आपके पास से। इतने दिन से तो करवाने की कोशिश कर रही हो, अभी तक करवा पाई? अब क्या करवाओगी? और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तू ये सोच रही है कि मुझे नुकसान पहुंचाएगी तो मैं पहले से ही पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा कर आई हूँ कि मेरी जान को तुझसे खतरा है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुझे जिम्मेदार समझा जाएगा। अब तू चाय शाय पी ले, तेरी जान अटकी हुई होगी ना। उम्मीद है मेरी बात तेरे दिमाग में आ गई होगी अच्छे से। और सुन लड़के, वापस मेरे पास आना नहीं, चलती हूँ। मैम आप प्लीज, मैम प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं वापस से जाऊंगा, ट्राई करूंगा उनको समझाने की। मैम मैं कोशिश करूंगा। मैम मेरे पास एक आइडिया है। आपकी दोस्त अंबिका कब काम आएगी? आप एक काम क्यों नहीं करते, जहां तक कि मैं समझा हूँ वो बुढ़िया सिर्फ देविका को ही वो जायदाद देने को तैयार है, तो आप कुछ दिनों के लिए अंबिका को ही देविका बनाकर उस बुढ़िया के सामने ले आइए, आपका काम हो जाएगा। आप बकवास कर रहे हैं, आप इन सब मैटर से दूर रहिए प्लीज। अकल है नहीं आप में इसलिए चलाइए। शट अप मोंटी, आई रियली लाइक दैट आइडिया। इंप्रेसिव विकास, तुम्हारा दिमाग तो मोंटी से भी तेज चलता है। जी शुक्रिया। थैंक यू फॉर दैट ब्रिलियंट आइडिया। मैं अभी जाकर अंबिका से बात करती हूँ। तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी अंबिका, सब कुछ समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जानना है। क्या? कि हमारी दोस्ती तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है और तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए। अंबिका मैं आज तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती हूँ और इसलिए तुमसे मदद मांगने आई। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी दोस्ती के खाते में कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, फिर भले ही तुम्हारे घर वालों ने मेरी इतनी बेइज्जती क्यों ना की हो। अंबिका प्लीज भूल जाओ ना उस बात को, मैं कितनी बार तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। एंड आई प्रॉमिस मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं होने दूंगी। एक बार और मुझे माफ कर दो प्लीज। निवेदिता तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया? अगर मैंने तुम्हें माफ ना किया होता तो यहाँ खड़े होकर तुम्हारी बातें क्यों सुन रही होती? इट्स ओके, मैं भूल चुकी हूँ उन सब बातों को। थैंक यू सो मच, सच में बहुत अच्छी दोस्त हो तुम मेरी। अच्छा अंबिका, जो तुमने कहा क्या वो सच है कि तुम मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकती हो? Are you sure? तुम्हें यकीन नहीं है तो क्या करूँ प्रूफ करने के लिए? कहो तो किसी का मर्डर कर दूँ, बताओ किसे मारना है? अरे नहीं नहीं, किसी को मारना नहीं है। हाँ लेकिन किसी को जिंदा जरूर करना है। जिंदा? किसे मैं कुछ समझी नहीं। आई नो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है।